यार गाइस, आप में से ना काफी लोगों की काफी ज्यादा डिमांड होती है कि ड्रोन्स की वीडियोस कब आएंगे। तो फिलहाल मेरे पास में आ गया है ये DJI का ब्रांड न्यू सेटअप मिनी 3 प्रो और साथ में है हमारे पास में फ्लाईमोर केट प्लस। काफी इंटरेस्टिंग, काफी कॉम्पैक्ट, काफी क्यूट सा ड्रोन है, बट परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा तगड़ी है। तो आज आप इस वीडियो देख रहिए, इन्हीं को अनबॉक्स करते हैं, थोड़ा सा उड़ाते हैं, थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि आखिर कैसा है DJI का ये वाला ड्रोन, बिकॉज मिनी तो है बट परफॉर्मेंस में डेफिनेटली मैक्स वाला काम करेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। यार सबसे पहले एक बार प्राइस की बात कर लेता हूँ कि ये क्या सेटअप पूरा पड़ा है। मतलब देखो, ड्रोन जो है अकेला लोगों तो डेफिनेटली सस्ता पड़ जाएगा, बट देन अगेन अगर आपको लिमिटेड तो उड़ाना है तो यू वुड वांट कि एक्स्ट्रा बैटरीज वगैरह मिल जाएं, कहीं टकरा जाएगा तो एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स वगैरह मिल जाएं। तो उसके लिए मैंने लिया ये वाला फ्लाईमोर किट प्लस, और ये दोनों कंबाइंड जो है वो मुझे पड़े कुछ आई थिंक 1,20,000 के आसपास। अगर खैर हम करते हैं इसी को अनबॉक्स, तो देखते हैं कि आखिर कैसा रहता है ये सीन इस ड्रोन का। DJI की ना एक चीज लगती है लोगों की, जो पैकेजिंग है वो काफी ऐसे एप्पलिस्क और वो DJI अचीव करता है। हमारे पास में फिर रखा है ये कंट्रोलर, और ये अपने आप में बहुत एक यूनिक चीज है। इसी के साथ साथ फिर हमारे पास में है एक सेक्शन, इधर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में एक्स्ट्रा सेट ऑफ प्रोपेलर्स हमको मिलते हैं, कुछ यूजर गाइड्स पढ़ के समझ के ड्रोन को उड़ाने के लिए, और फिर है हमारे पास में स्क्रू ड्राइवर और USB C2C केबल। अगर हम बात करते हैं इधर तो वी हैव ओके भाई, ये ड्रोन है और इसका जो वेट है वो एक्चुअल में 250 ग्राम के नीचे है, जो कि बना देता है इसको नैनो कैटेगरी का ड्रोन, जिसके लिए रेगुलेशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं, यू नो इफ़ यू वांट टू फ्लाई। तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है, और अगर हम बात करते हैं इसे कंट्रोलर की, जो कि ड्रोन से एक्चुअल में बड़ा है, तो वो कुछ ऐसा आता है हमारे पास में। सो दिस इज द कंट्रोलर एंड दिस इज द ड्रोन। अगर हम बात करेंगे इसी को ना, तो इधर जाएगा ये ऐसे होके और ये ऐसे होके यहाँ पे जाएगा, दिस बिकम्स द ड्रोन। और कंट्रोलर के अंदर अच्छी बात यह है कि जो जॉयस्टिक है वो पीछे ना यहाँ पे ऐसे हिडन होती है, जिसको आप ऐसे स्क्रू कर सकते हो। स्टोरेज के लिए अच्छा है, ट्रैवलिंग के लिए अच्छा है, और जब आप देखोगे ना तो हैव अ लुक, ये आपका प्रॉपर फुल फ्लेज्ड कंट्रोलर बन गया है विद एक अच्छा डिस्प्ले साथ में इनबिल्ट। मतलब मोबाइल फोन लगाने वाला वो कोई झंझट नहीं है। पीछे हमारे पास में शॉर्टकट बटन्स भी हैं, यहाँ पे नो वी हैव द टॉगल्स, इसको आप बटन उड़ा सकते हैं, वी कैन चेंज द मोड्स वगैरह। और नीचे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम USB-C पोर्ट के उसको चार्ज कर सकते हैं, हम इससे अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं, बिकॉज नीचे हमारे पास में यहाँ पे एक USB पोर्ट भी है एक और फ़ोन को चार्ज करने के लिए, एंड देन वी हैव अ मेमोरी कार्ड स्लॉट। अगर हम बात करते हैं ड्रोन की, तो भाई बहुत ही कॉम्पैक्ट सा छोटा सा ड्रोन है, जहाँ पे मेरे को समझ नहीं आ रहा, सोचो इसकी बैटरी एकदम ऐसे हल्की लग रही है, जहाँ पे 34 मिनट्स का फ्लाइंग टाइम हमको मिल जाता है, विच इज़ क्वाइट गुड। साथ हमारे पास में USB-C पोर्ट है चार्ज करने के लिए, हमारे पास में यहाँ पे एक ये मेमोरी कार्ड का स्लॉट भी है, और इधर इतना छोटा सा कैमरा सेटअप है, एंड दिस इज 48 मेगापिक्सल्स का कैमरा सेटअप, एंड या दैट्स इट, DJI Mini 3 Pro। देखो ड्रोन के अलावा अब इसको अगर आपको अच्छे से उड़ाना है तो फ्लाई मोर जैसे मैंने को बताया कि बहुत जरूरी बन जाता है। तो यहाँ पे ये जो किट है ना, ये यार काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ लेकर आ जाता है, जहाँ पे सबसे पहले तो ये एक कैरिंग केस ही है फॉर ड्रोन कंट्रोलर एंड ऑल एक्सेसरीज एक साथ एक ही जगह पे। सबसे इंटरेस्टिंग जो है ना वो है हमारे पास में 47 मिनट्स के बैकअप वाली बैटरीज हैं, बिकॉज ये प्लस वाला किट है, स्टैंडर्ड भी आता है जहाँ पे आपको स्टैंडर्ड 34 मिनट्स का मिलता है बैकअप, बट ये बैटरी अगर आप इस पर लगा दोगे तो 47 मिनट्स इसके अंदर है, 47 मिनट्स इसके अंदर है, प्लस जो इनबिल्ट बैटरी है वो देती है 34 मिनट्स का फ्लाई बैक। तो अगर आप ये बैटरी यूज़ करोगे तो बेसिकली आपकी रेंज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है इन टर्म्स ऑफ यू नो आपको जो फ्लाई करना है। और तीसरी बैटरी इसमें लगा के आप एक साथ इसी से चार्ज कर सकते हो, यहाँ पे आपका USB-C पोर्ट का ऑप्शन है, और आप इसको चाहो तो एज अ पावर बैंक भी काम में ले सकते हो, यहाँ पे एक USB आउट का ऑप्शन भी है। इसके अलावा हमको कुछ और एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स, क्योंकि एक्सीडेंट्स भैया हो जाते हैं अक्सर, या अगर कहीं टकरा जाए कुछ भी है। फिर हमारे पास में आई थिंक ये बेसिक कुछ पेपर वर्क है जिसकी हमको जरूरत नहीं है, और कुछ और भी होना चाहिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे शायद होगा। सो वी हैव एक और केबल विद ये USB एयरपोर्ट। तो गाइज ड्रोन की हमने अनबॉक्सिंग कर ली, तो थोड़ा ध्यान से देखो और फिर आपसे बात करता हूँ कि आखिर क्या क्या फीचर्स हैं इसी मिनी 3 प्रो के। We'll be right back.
पहली बार हम इसको इंडोर्स ऑन कर रहे हैं, लेट्स सी कि हाउ इज द सिचुएशन। बट ये देखो यार, स्क्रीन के साथ में ना डेफिनेटली मतलब मज़ा तो आएगा कि आपको मोबाइल लगाने का झंझट नहीं है यार। मतलब दिस न्यू कंट्रोलर इज रियली गुड एंड विद इनबिल्ट एंटीनाज ये कहीं ना कहीं और बेहतर बन जाता है। और जहाँ पे अप टू 12 किलोमीटर्स तक की ट्रांसमिशन यू नो पावर मिल जाती है फुल HD वीडियो फीड के साथ में, विच इज क्वाइट गुड। यह आवाज आपको बताती है कि भैया आप उड़ा सकते हो। और यहाँ पे गाइस एक बार इंडोर टेक ऑफ तो देखो बनता है भाई छोटे ड्रोन्स का, ये पहले भी जो है वो कई बार करतब किए हैं हमने। एंड हमारे पास में फिलहाल के लिए द फीड इज लाइव, अभी एक बार टेक ऑफ करते हैं यहीं पे ही, बाकी बातें बाहर जाया करेंगे। बट लेट्स सी कि टेबल के ऊपर ड्रोन टेक ऑफ, मिनी का यही मजा होता है भाई। लेट्स सी, इधर देखो मैं इसमें कितना बढ़िया लग रहा हूँ। वी हैव द डिस्प्ले राइट हियर और इट्स वेरी इजी टू ऑपरेट, मतलब एकदम ऐसे बच्चों का खेल लगता है गाइस, काफी आसान लगता है ये ड्रोन। एट द सेम टाइम काफी ज्यादा जो है वो आपको इसके अंदर अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, मतलब मिनी साइज के अंदर पूरा मैक्स मजा मिलता है। काम करते हैं इसको, हम लेके जाते हैं पहले तो नीचे और फिर हम इसको लेके जाते हैं कहीं बाहर अच्छी लोकेशंस पे, वहां पे उड़ाते हैं और वहां हम बात करेंगे कि आखिर क्या क्या फीचर्स हमको इसे मिल जाते हैं, स्पीड्स क्या हैं, मोड्स क्या हैं, क्या क्या रेंज मिलती है। और एक मजे की बात, बिफोर यू नो आई डू एनीथिंग, आप बस ये देखो कि इसका जो ये गिम्बल है ये वर्टिकल मोड भी सपोर्ट करता है विद जस्ट अ प्रेस ऑफ अ बटन। हैव अ लुक एट दिस, देख रहे हो, मतलब आज की डेट में जो वर्टिकल वीडियोस हम रिकॉर्ड करते हैं यू नो कितना ज्यादा ट्रेंड में है, तो आप इस ड्रोन से इनबिल्ट यू नो वर्टिकल वीडियोस ले सकते हो, विच आपको वो क्रॉप करने का हेडेक वगैरह उस सबसे बचा देता है और क्वालिटी को बहुत अच्छी मिल जाती है। हमारे पास में यहाँ पे 48 मेगापिक्सल की स्टिल फोटोज, 4K वीडियोस, वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। खैर जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं बाहर और ट्राई करते हैं इसी DJI Mini 3 Pro को। तो गाइस देखा आपने कि कितने कमाल कमाल हमने ड्रोन शॉट्स लिए और काफी ज्यादा मजा आया इस ड्रोन को यूज करने में। बट एक हादसा हो गया, अभी आपको दिख तो रही है सारी लाइटें जलती हुई, सब कुछ सही चल रही है, बट दिस ड्रोन क्रैश्ड। और वो जो क्रैश करने के बाद मैं ऐसे घूम घूम के नीचे गिरा, उसके बाद में अभी द सिचुएशन इज सच कि पेयर हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। आई कैन सी द कैमरा, कैमरे का प्रीव्यू अगर आपको दिखाऊंगा, देखो इधर मैं इसमें स्माइल करता हूँ और आप देखना है इसके अंदर। हैव अ लुक एट दिस, आई मीन इट्स विजिबल इन द स्क्रीन जो ये कैमरा दिखा रहा है, तो मतलब दिस ड्रोन इज काइंड ऑफ कनेक्टेड। सारी चीज़ें सही हैं लेकिन द मोमेंट आई गो हियर फॉर टेक ऑफ इट गिव्स मी अ लॉन्ग सेट ऑफ वार्निंग्स कि भैया GPS मिसिंग है, सेंसर मिसिंग है, गिम्बल के अंदर दिक्कत है, बैरोमीटर में दिक्कत है, मतलब पता नहीं क्या क्या। तो इसको हमको लगता है कि लेके जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर, बिकॉज जब इसको उड़ाया ना हमने तो यार देखो एक एडवांटेज तो है इस छोटे साइज का कि इट्स क्वाइट कॉम्पैक्ट। परमिशन वगैरह का आप जानते हो कि बिकॉज ये आता है नैनो कैटेगरी में अंडर 250 grams, तो कोई चक्कर नहीं है, यू नो यू कैन ईजिली फ्लाई दिस एंड एवरीथिंग। बट जब तेज हवाएं थी और राजस्थान की तेज हवाएं आप जानते हो गर्मी के महीनों में कितनी तेज हो जाती है, तो उस टाइम पे ये बेचारा स्टेबल नहीं रह पाया। तो मतलब तेज विंड्स में अगर आपको उड़ाना है ड्रोन को तो आई वुड नॉट रेकमेंड कि यू गो विद दिस मिनी। हमने गलती करी और हमने रिस्क लिया तो कुछ शॉट्स तो मिल गए, बट देन एट द एंड भैया ड्रोन जो है हमारा शहीद हो गया। अब इसको लेके जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर या कहीं रिपेयरिंग वगैरह और देखेंगे भैया किस तरीके से ये वापस अपने जो है वो बैक टू नॉर्मल फंक्शन में आ पाता है। देखो यार ये वीडियो में ना मतलब इतने सारे सेक्शंस चल रहे हैं, मैं आपको बोला था ड्रोन हमारा खराब हो गया था जो कि एक्चुअल में हो गया था, बट नाउ वी हैव द ड्रोन इन फुल्ली वर्किंग कंडीशन। अब ऑफिशियल तो यार कोई सर्विस सेंटर होता नहीं है बिकॉज DJI ऑफिशियली इंडिया में ड्रोन्स जो है वो ऐसे बेचता नहीं है, तो यू नो वी डोंट गेट एनी ऑफिशियल सर्विस। बट मार्केट में बहुत सारे रिपेयरिंग वाले भैया होते हैं जो ड्रोन वोन का जुगाड़ करके ठीक कर देते चीज़ें, और मैंने ना इनफैक्ट उसको खोल भी लिया था तो मुझे मालूम चला कि इसके अंदर एक रिबन केबल थी वो जो है वो टूट गई थी, वो कहीं से कुछ कट गई थी मे बी जैसे इम्पैक्ट हुआ उसकी वजह से। तो हमारे पास में टोटल खर्चा जो है वो आया इसका 5,000 rupees। बट फन फैक्ट ड्रोन इज कम्प्लीटली फंक्शनल बैक अगेन, तो यहां पे इसको अगर उड़ा लूं दोबारा, यस
तो ड्रोन हमारा चल रहा है फर्स्ट क्लास, इसको घुमा भी सकते हैं, हमारी तरफ भी आ सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो बेसिकली यार सीन ये है कि इंडिया में अगर आप ड्रोन रखते हो तो आपको ध्यान इस बात रखना पड़ता है कि ड्रोन जो है वो आप ढंग से उड़ाओ, बिकॉज अगर डैमेज हुआ तो देखो इसके अंदर तो इजी मामला था तो ठीक हो गया, ज़्यादा बड़ा डैमेज नहीं था, बट प्रॉब्लम ये है ना कि ऑफिशियली वी डोंट हैव एनी सपोर्ट सिस्टम, तो वो चैलेंज हो सकता है। लेकिन यार मुझे बड़ा ये एक्साइटिंग ड्रोन लगा, छोटा सा हमारा मिनी 3 प्रो, ऑल्दो इसके भी अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। एक्सीडेंट भी जो हुआ इस ड्रोन का क्रैश हुआ उसका भी इसके डिज़ाइन से रिलेटेड दोनों पंगा है, विच इज़ कि ड्रोन इतना छोटा है, इतना हल्का फुल्का है कि ज़्यादा तेज अगर हवाएँ चल रही हो ना तो उसके अंदर इसको उड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम जाती है कभी कभी। एंड हमने जब शूट किया था उस टाइम पे हवाएं बहुत तेज थी और ड्रोन जो है वो खुद ही साइड में जाके अपने आप पेड़ में चला गया, बिकॉज ये ढंग से टिक नहीं पाया। तो अगर आपको लगता है कि भैया आपका यूजेज जो है वो ऐसे छोटा मोटा हल्का फुल्का रहने वाला है और आपको उसके लिए कॉम्पैक्ट ड्रोन चाहिए जहां पे गिम्बल भी आपका वर्टिकल घूम जाए और आपका लिमिटेड है, आपको बजट में काम करना है, तो उसके लिए तो डेफिनेटली मिनी 3 प्रो इज अमेजिंग। बट अगर हम बात करते हैं हाई एंड प्रोफेशनल काम की, या अगर आपको पता है कि भैया आपको एक हैवी ड्यूटी ड्रोन चाहिए, उसके लिए फिर मैविक और मैविक प्रो, जहां पे अभी तो भैया मल्टीपल कैमरास वाले ड्रोन्स और इनफैक्ट इंस्पायर वगैरह होता है, फैंटम होता है, मतलब वो सब अवेलेबल हैं। बट एक्चुअली फॉर हॉबीस्ट्स एंड बिकॉज दिस ड्रोन इज अंडर 250 ग्राम्स, तो काफ़ी सारी नॉर्म्स जो हैं वो इस पर एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज ये नैनो कैटेगरी में आ जाता है, तो उसके लिए बहुत सही है भाई, और मेरे को तो कंट्रोल बहुत सही लग रहा है। तो ये है कहानी DJI मिनी 3 प्रो की। ड्रोन शॉट्स आपने देखे ही, हमने कितने मज़े से इसको शूट किया पूरा, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें की, और 5,000 रुपये बस लग गए एक्स्ट्रा, बाकी ड्रोन इज़ बैक टू नॉर्मल। आप वीडियो को लाइक करके बताओ कि हाउ डिड यू फाइंड दिस ड्रोन, आपको कैसा लग रहा है, और मेरे को अच्छा लगता है कि इसको ऐसे मतलब फोल्ड करो, जस्ट थिंक अबाउट इट कि इतने से फॉर्म फैक्टर में आपने एक ड्रोन को पूरा कर लिया है कैरी, विच इज़ जस्ट दिस, मतलब इसका वेट कुछ भी नहीं है यार, इससे तो इनफैक्ट इसका कंट्रोलर बड़ा और भारी है। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस मिनी 3 प्रो। आपसे मैं मिलता हूँ आगे आने वाले किसी वीडियो में, और इस ड्रोन को हम और यूज़ करेंगे टू कैप्चर इवन बेटर कॉन्टेंट इन आर फ्यूचर वीडियोज़। फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।